तीन बड़े चम्मच ऑयल ऐड करें, इसमें चार गोलियां चॉप्ड लहसुन या जिसे आप गार्लिक कहते हैं ऐड करें, एक बड़ा चम्मच जीरा क्यूमिन यानी कि ऐड करें, थोड़ा सा स्टर करें कि लहसुन जो है वो गोल्डन हल्का सा शेड उसमें आ जाए। फिर इसमें हम जो है वो कीमा ऐड करेंगे, जब हल्का सा इसका कलर जो है चेंज होने लगे तो उसको थोड़ी देर के लिए ढाँक दें। सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएं और कीमा जो है वो तब तक गल जाएगा। अब इसमें जो कटा हुआ हरा प्याज है चॉप फॉर्म में इसमें ऐड कर लें। तकरीबन 2 मिनट तक इसको सौते करें कि प्याज जो है हल्का सा नरम पड़ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें चॉप टोमेटोस यानी कि टमाटर जो कटे हुए थे हमारे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। दो बड़े चम्मच धड़ा मिर्च के इसमें ऐड करें। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच या बड़ा चम्मच नमक, नमक हसबे जायका, लेकिन इसको अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लें। थोड़ा सा कीमा भूनने के बाद इसमें हरा प्याज हम ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा मसाले को नहीं, इतना या हांडी को इतना नहीं हिलाना या पकाना कि वो गल जाए बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रॉ टच रहना चाहिए। ये खड़ा कीमा का स्टाइल है, यानी कि हरा प्याज है लेकिन खड़ा खड़ा रहना चाहिए, इसको दम पे नहीं रखेंगे। अगर दम पे रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होके सॉगी हो जाएंगे और प्याज जो है वो हरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, उसका कलर भी बहुत डल हो जाएगा, तो इसको दम पे नहीं पकाना। हमारे हरे प्याज का कीमा अब ऑलमोस्ट रेडी है, जस्ट इसमें हमने गार्निशिंग करनी है। इसमें हम तकरीबन 1.5 चम्मच जो है छोटे गरम मसाला के ऐड करेंगे, या तकरीबन 1 बड़े चम्मच के बराबर। अब ये हम गार्निशिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज जूलियन कटिंग में, और साथ में हम इसमें जिंजर जो है वो ऐड करेंगे चॉप जूलियन कटिंग में।